अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। आज की जो हमारी वीडियो है, लियारी हॉस्पिटल में कराची में बहुत ही तादाद में मेल और फीमेल हजरात के लिए नौकरी का ऐलान किया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना है, वहाँ पर आपने टाइप करना है educatives.com। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर एजुकेशनल लर्निंग पॉइंट के ऊपर मेन पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के जो है वो कुछ मेन पेज नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर मुख्तलिफ अपडेट्स भी देख रहे होंगे और डेली यहाँ पर MCQs, जॉब्स, उसके बाद एडमिशन्स की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर कराची के रिलेटेड, तो आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है एंटर टू कीवर्ड में कराची, ठीक है। तो जैसे ही आप कराची लिखेंगे यहाँ पर, ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा कराची, मैंने यहाँ पर कराची लिखा, कराची लिख के मैं सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कराची के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी तादाद में जो है वो कराची के रिलेटेड जो है वो जॉब्स अपडेट होती रहती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर, आप यहाँ पर कराची भी लिख सकते हैं और सिंध भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची अगस्त 2020, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी पोस्ट है यहाँ पर। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब लोकेशन इसकी है कराची सिंध, उसके बाद पाकिस्तान। पब्लिश डेट इसकी है 4 अगस्त 2020, लास्ट डेट इसकी है 14 अगस्त 2020, न्यूज़पेपर है जंग। अगर बात की जाए तो COVID-19 की वजह से कुछ डेज़ के लिए जो है वो यहाँ पे 89 डेज़ के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 89 डेज़ के लिए, और फिक्स डे पर जो है वो फिक्स पे पर आपको जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ पर कौन कौन सी सीट्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका 12 स्केल है, उसकी 8 सीट्स हैं। ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का मतलब होता है 14 GR एजुकेशन। बायोमेडिकल टेक्नीशियन, उसकी 2 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, उसकी 10 सीट्स हैं। ECG टेक्नीशियन 8, और यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, AC टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, उनकी के लिए इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर डिटेल की, तो मैट्रिक के लिए जो है वो वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन है, ऑक्सीजन ऑपरेटर है, ड्राइवर है, लैब अटेंडेंट है, वार्ड सर्वेंट है। उसके बाद स्प्रे मैन के लिए जो है पढ़ा लिखा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल बात की जाए तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तरीका क्या है कि आपने अपनी प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी है, मुकम्मल नाम, आपके पेरेंट का नाम, आपकी तालीमी काबिलियत, तजर्बा, डेट ऑफ बर्थ, आपका ID कार्ड, ये सब अटेस्टेड होने चाहिए किसी गजटेड ऑफिसर से, आपका डोमिसाइल, PRC और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इन सब को आपने जो है वो लिफाफे में डालना है, उस पर अपना नाम, अपनी पोस्ट का नाम, अपना नंबर और पता लिखकर आपने सेंड कर देना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची। तो ये 10 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर देने हैं। तो इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए जो है वो आप अप टू डेट रहें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।